आईपीएल में खिलाड़ियों की बड़ी नीलामी होनी है और कई आईपीएल फ्रेंचाइजी नए कप्तान बनाने पर विचार कर रही हैं। सबसे ज्यादा नजरें भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा और इस फॉर्मेट के नए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा के हार्दिक पांड्या को गले लगाना और अनंत अंबानी के वैवाहिक कार्यक्रम में नीता अंबानी के रोहित की तारीफ करने के बाद लग रहा था कि मुंबई इंडियंस का पूर्व कप्तान टीम में बना रहेगा, लेकिन भारतीय टीम के हालिया घटनाक्रम से सब कुछ बदल कर रख दिया है। हार्दिक को पछाड़कर सूर्य कुमार यादव के भारतीय T20 टीम का कप्तान बनने के बाद ये साफ है कि रोहित और हार्दिक में पूरी तरह कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और इसका असर सिर्फ मुंबई इंडियंस पर ही नहीं कई फ्रेंचाइजियों पर पड़ेगा। अगर सूर्या कप्तान बने हैं तो उनके पीछे जितना हाथ नए कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का होगा उतना रोहित का भी है। जब BCCI ने गंभीर को कोच बनाने का निर्णय लिया था तो उससे पहले रोहित से भी राय ली गई थी। रोहित ने गंभीर के पक्ष में राय दी थी और उन्होंने मुख्य कोच बनते ही हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाने का समर्थन किया। इस साल जब मुंबई इंडियंस ने रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाने की घोषणा की तो उसके बाद से ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच संबंध खराब हो गए थे। वहीं सूर्या को रोहित का करीबी माना जाता है, यही नहीं वो गंभीर की कप्तानी वाली KKR के उपकप्तान भी रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों से ये भी पता चला है कि दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और उनको रिटेन करे या ना करे इस पर विचार कर रही है। पंत को ट्रेड करने का विचार भी इस टीम में चल रहा है। हालांकि इस टीम के मेंटोर और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली पंत का कप्तान बनाए रखने के पक्ष में है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी KL राहुल की जगह नए कप्तान को रखने पर विचार कर सकती है। RCB भी इस बार फाफ डु प्लेसी की जगह किसी भारतीय को कमान देने के बारे में सोच सकती है। अगर मुंबई इंडियंस और सूर्या व रोहित के बीच मामला नहीं बनता और इसके रास्ते अलग होते हैं तो इस पर KKR व लखनऊ दाव लगा सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली और पंत की बात नहीं बनती तो महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स इस विकेट कीपर को लेने के लिए आगे बढ़ सकती है। धोनी और पंत में कितनी करीबी है ये किसी से छिपी नहीं है। इस साल CSK ने धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया था। CSK प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहीं लखनऊ और राहुल के बीच अब संबंध उस तरह के नहीं रह गए हैं। पिछले IPL सत्र में एक मैच के बाद मैदान में ही टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान राहुल के बीच आक्रामक चर्चा का वीडियो काफी चर्चित हुआ था। राहुल कर्नाटक के रहने वाले हैं और RCB उन पर दाव लगा सकती है, क्योंकि इस बार IPL से पहले बड़ी नीलामी होनी है और अभी BCCI ने खिलाड़ियों को रिटेन करने के नियम नहीं जारी किए हैं, इसलिए सब कुछ उसके बाद ही तय होगा, क्योंकि टीमें उसी के हिसाब से रणनीति बनाएंगी। अगर एक विदेशी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति मिलती है तो मुंबई के लिए 3 भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन करने का निर्णय काफी मुश्किल भरा होगा। सभी टीमें मेगा नीलामी में अगले 5 वर्षों की टीम तैयार करने की ओर देखेगी। वहीं भारत को 11 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जिताकर रोहित ने खुद को कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी की विश्व विजेता कप्तानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुंबई इंडियंस अगले साल होने वाली बड़ी नीलामी के लिए क्या रणनीति बनाएगी ये देखने वाली बात होगी। अगर रोहित रिटेंशन के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाते तो मुंबई क्या करेगी? ऐसे में उसे टीम में शामिल सूर्या को हर हाल में रिटेन करना होगा, जो अब T20 में भारत के कप्तान हैं। इस IPL तक मुंबई हार्दिक को भविष्य का कप्तान देख रही थी, लेकिन क्या वो आगे भी ऐसा ही सोचेगी ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की कमान इस बार कौन संभालेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।